Good morning, student. Good morning, everyone. Today we discuss number series part 1 in reasoning classes. Our motto is solve with minimum time. देखो, reasoning में number series एक बहुत ही अहम एक chapter है. इस chapter को थोड़ा गौर से देखना चाहिए क्योंकि WBCS में ये बहुत सारे questions इधर से आते हैं. तो कैसे होता है ये number series का question का answer कैसे बनता है ये आज हम डिस्कस करेंगे. कैसे देखो, नंबर सीरीज, ये जो नंबर सीरीज होता है ये नंबर सीरीज पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा क्योंकि पहले हम देख चुके हैं लेटर सीरीज और लेटर सीरीज में ए से जेड तक 26 लेटर मुझे और आपको भी पता है. इस लेटर को घुमा फिरा कर दे देंगे लेटर सीरीज में, मगर नंबर सीरीज में ऐसा कुछ नंबर का लिमिटेशंस नहीं है. ये वन से अनटिल जितना भी चाहे ये बढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक्स होगा, जिस ट्रिक्स को पकड़ने से आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा और क्वेश्चन ये भी रहेगा जो नया स्टूडेंट है उसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होगा, इसलिए कट ऑफ बनेगा. तो आपको क्या करना चाहिए, नंबर सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए नंबर सीरीज का. नॉलेज क्या है नंबर सीरीज, पहले सोचो ये है सीरीज, सीरीज जो बनेगा नंबर से. तो नंबर सीरीज का मतलब नंबर से बनेगा एक सीरीज. तो अभी पहले हम बोल चुके हैं सीरीज क्या है, जो एक सीरियल है, जो एक सिस्टमेटिक आगे जा रहे हैं, वो बढ़ भी सकते हैं, वो कम भी सकते हैं, मगर थोड़ा चेंजेस आना है, वो ही है सीरीज. तो नंबर को लेकर जो सीरीज बनेगा वो नंबर सीरीज, ये तो हम देखते ही हैं. तो अभी देखो क्या होगा, नंबर सीरीज का पैटर्न क्या होता है. यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, एडिशन यूज करते हैं, एंड डिक्रीज होने के लिए सबस्ट्रक्शन यूज करते हैं और डिवीजन यूज करते हैं. तो एडिशन पार्ट में जो नंबर आगे जाएगा इंक्रीज होगा वो कैसे होगा, थोड़ा कम कम बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, मगर मल्टीप्लीकेशंस में कोई नंबर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, जंपिंग ऑर्डर में छलांग लगाकर बढ़ेगा. जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे सोचो ये है 2, इसके बाद है 4, इसके बाद है 6, इसके बाद है 8, तो आपको पता लगेगा इसके बाद क्या होगा. सबको पता है 2 करके बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं प्लस 2 होकर, तो इसके बाद भी आएगा 10. मगर यही नंबर ऐसे लिखा जाए, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद क्या होगा 32. यहाँ पर देखो 4, 5 नंबर यूज करके आपको मिल रहा है, 4, 5 नंबर यूज करने से आपको मिल रहा है, ज्यादा हो गया. इधर मल्टीप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, इंटू 2 होकर आगे जा रहे हैं. ठीक, तो इतना क्वेश्चन नहीं रहेगा, मगर दिस इज द फर्स्ट प्रिलिमिनरी पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज
ये ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ते हैं नया नया क्वेश्चन के साथ और एंजॉय करते हैं क्लास का असली मजा। चलो क्या है देखा जाता है। देखो पहले वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 7, 11, 18, 29, 47, -123, 199। तो आपको क्या होना चाहिए पहले आप लिख लो इधर 11, 18, 29, 47। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 123 और 199 मिलेगा। देखो आप 4 से क्या क्या आपका नॉलेज में आना चाहिए। पहला नॉलेज है जो 4 से 7 आ रहे हैं वो थोड़ा डबल का कम है, डबल होगा तो 8 होगा, थोड़ा कम है तो 7, 7 का डबल होगा तो 14, थोड़ा और भी कम है 11, 11 का डबल होगा तो 22, और भी कम है 18, 18 का होगा 36, और भी कम है। तो ऐसे करके जो आ रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब फील हो रहे हैं क्योंकि मैचिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ये कोई स्क्वायर नंबर है कि नहीं, 4 तो अकेला स्क्वायर नंबर है और कोई स्क्वायर नंबर इधर नहीं है, क्यू नंबर की कोई बात नहीं है, प्राइम नंबर है 11, 7, 29, 47, मगर और जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है इस सीरीज में, इसको पता लगाने के लिए आपको गैप भी देखना पड़ेगा। गैप क्या है 3, उसके बाद है क्या है गैप 4, उसके बाद क्या क्या गैप है 7, उसके गैप क्या है कितना गैप 11, उसके बाद क्या गैप है गैप कितना है सो 18। गैप से पता चलता है इसका जो 3 और 4 मिलकर 7 बन चुके, 3 और 7, 3 और 4 ऐड कर होकर 7 बना, 4 और 7 ऐड करके 11 बन चुके हैं, 7 और 11 ऐड करके 18 बन चुके हैं। तो ऐसे ही 18 और 11 ऐड करके आपको मिलेगा 29। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसका 47 का साथ 29 ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, आपको 47 प्लस 29 ऐड करने से आपको मिलेगा 8 और 7, 78, 78 नहीं है 80, 29 ऐड करके आपको 47, 29, ओ ये तो 49 नहीं है 47 है, 47 है ये, तो 47 के साथ, 47 के साथ ऐड करने से आपको मिलेगा 6 और 7, 76। सोचो जो इधर आ रहे हैं, जैसे देखो 3 से 4 आ रहे हैं, ये 4 इधर है, 7 इधर है, 11 इधर है, 18 इधर है, तो 29 इधर है, और भी एक टाइप होने से आपको आंसर मिलेगा। दूसरे वाला टाइप क्या है देखो, सिर्फ 4 और 7 ऐड करना है और मिलेगा 11, ठीक है, 7 और 4 ऐड करना है मिलेगा 11, 7 और 11 ऐड करना है मिलेगा 18। ऐसे करके 18, 11 और 18 ऐड करने से मिलेगा 29, और 18 और 29 ऐड करने से मिलेगा 47। तो अभी 47 and 29, 29 and 47 ऐड करने से आपको मिलेगा 76। ये रूल भी सही है, आपको आंसर 76 मिलेगा, तभी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन?
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्या है, 16 है, 18 है, उसके बाद फिर 16 के बाद 8 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 24 है, इसके बाद क्या होगा? देयर आर नंबर ऑफ मिसकम्युनिकेटिव प्रॉब्लम। पहले वो डिक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद सेम स्टेटस में रहकर आगे जा रहे हैं इंक्रीज होकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द 16। तो आप एक काम करो, 16 से कैसे 8 आना है तो आप डिवाइड करके लेकर आ कर सकते हो और माइनस करके भी लेकर आ सकते हो। तो डिवाइड करके आएंगे तो डिवाइड 2, माइनस करके आएंगे तो माइनस 8। तो ऐसे हिसाब लगाओ जैसे एक रिदिम बन गया, बन चुके हैं। जैसे देखो 16 से 8 इनटू हाफ करेंगे तो आएगा 8, 8 से 8 इनटू 1 करके आएगा, 8 से 12 इनटू 1.5 करके आएगा, 12 इनटू 2। एक्चुअल क्लू इज हियर दिस इज इनटू 2, सो यू हैव टू अज्यूम इन द प्रीवियस into half, into 1, into 1.5, so into 2. And the next set will be into 2.5. So 24 into 2.5 or 2.5 is 60. Is your answer option B. Clear everyone? Our next question is question number 3. Here we see that 36, 33, 30, 27 and 20. This is very unique questions to us. So please look at the board carefully. 36, 33, 30, 27, 20 and this. This is very quality questions. And this is very important to us. 36 to 33. How many gap are? This is 3. That's in minus 3. Then another minus 3. Then minus another minus 3. And then minus 7. Get first minus 3. Then another minus 3. Then minus 3. Then minus 7. Our problematic area is here. Why this is minus 7? Actually, this will be minus 3 also. So we think about that. This minus 3 is the decimal digit of 36. 36 have two digits. One is decimal digit and another is unit digit. So first of all, we subtract the number from the decimal digit of the number. So 36 से आप 3 लेंगे, उसको माइनस करके आपको मिलेगा 3. उसके बाद उसका यूनिट डिजिट, 33 का यूनिट डिजिट क्या है? 3. 33 का यूनिट डिजिट 3, वो माइनस करके आपको मिलेगा. उसके बाद फिर डेसिमल डिजिट 30 से उसका डेसिमल डिजिट माइनस करके आपको मिलेगा 27. उसके बाद फिर यूनिट डिजिट 27 से 7 एक्चुअली यूनिट डिजिट माइनस करके आपको मिलेगा 20. तो अभी बारी है डेसिमल डिजिट का. सो 20 से 2 माइनस करके आपको मिलेगा 18. दिस इज योर आंसर फ्रॉम ऑप्शन सी. क्लियर एवरीवन? Our next question is question number 4. Question is 931, 73, 241.
9, 31, 73-41. What will be the result after 73? 9 is a square number, but 31, 73, and 241 is not a square number. We have to learn 1 to 25, cube number, and 1 to 50 of square number. In your exercise book, please read after Rajan. 9 to 31. What is the representation of 9? What is the why 9 will become? 9 is a mixture is 2 cube plus 1 cube or 1 square, maybe. 31 is a mixture 3 cube and 2 square. 27 plus 4, so it will be square, not cube. Seventy-three is a mixture 4 cube 64 plus 3 square plus 9. This is 27 plus 4. This is 8 plus 1. So next answer, next number will be the mixture of 5 cube and 4 square. So 5 cube is 125 and 4 square is 16. So 141 is your answer we get from question number B, 141. And the last number it will have to solve, this is 6 cube 216 plus 5 square 25, so 241. ये भी मिल आगे जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो इसके बाद आप श्योर हो गया, आपका श्योरिटी ज्यादा हो गया, 141 आपका आंसर होगा. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अस. ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, कभी कभी एग्जाम में आते हैं इस पैटर्न. तो क्या होता है देखिए, क्या है इसका असली टाइप. 4, 2, 2, 4, 14 and dash. हाउ विल यू विल एक्सप्लेन, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशंस आफ्टर 14. यहाँ पर दिख रहे हैं 4 से 2 माइनस हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, 2 से 2 सेम हो रहे हैं, उसके बाद और भी ज्यादा हो रहे हैं, 4 से 14 और ज्यादा हो गया. तो क्या है असली पैटर्न, इसको कहते हैं मिक्स पैटर्न. तो यहाँ पर क्या कर दिया, 4 से minimum 1 मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 4, मिनिमम 1. कम करने से आपको 2 मिलेगा, -2 करके आपको 2 मिलेगा. यह है आपका पहला स्टेप. 2 से 2 लेकर आना है, इसलिए आपको थोड़ा बढ़ाना होगा इस 1 के बाद 2, तो आ गया 4. क्योंकि -2 तो आपका कॉमन रहेगा, तो इसलिए आपको आएगा फिर और एक बार 2 आ गया. इस 2 से आपको 4 लेकर आना है, तो इसलिए आपको ज्यादा करना है मल्टीप्लीकेशन करके और कम करना है -2 करके. सो आपका आएगा दिस इज 3, तो आपको आएगा 6 minus 2 into 3, 6 minus 2 equals to 4. इसके बाद वही पैटर्न यूटिलाइज होगा. सो 4 into 4
माइनस टू मिलेगा आपको 14। इसके बाद 14 इंटू 5 माइनस टू होकर आएगा 68। 70 माइनस टू 68, ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टू अस। 22, 26, 38 and 62. What is the clue? देखो यहां पर जो डिफरेंसेस है वो है 4, उसके बाद है 12, उसके बाद है 24। तो इसके बाद क्या होगा? तो ये आपको ऐसे भी लगेगा, ये इंटू 3 होकर आ रहे हैं, ये इंटू 2 होकर आ रहे हैं, तो ये इंटू 1 होगा क्या? ऐसे होने से आपको क्या होगा, गैप होगा 24। सो 62 प्लस 24 होकर आपको मिलेगा 86, मगर यहाँ पर ऑप्शन में 86 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे करके आपको करना होगा, ठीक है? तो तभी आपका आंसर सही दिशा में जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो आप एक्चुअली आपका हो रहा है क्या? देखो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 4, ये 2 और 6 मल्टीप्लाई करके मिलेगा उसका जो गैप 12, ये 3 और 8 मल्टीप्लाई करके उसको मिलेगा इसका गैप 24। तो अभी 6 और 2 मल्टीप्लाई करके उसका गैप निकल आएगा, तो आपका आंसर आएगा 62 प्लस 12 74 इज योर आंसर फॉर ऑप्शन ए। क्लियर एवरीवन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यू पैटर्न आल्सो। आज के लिए थैंक यू, आगे मिलते हैं कोई अलग क्लास लेकर। थैंक यू।